और अनुमान यही है कि नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। मुनाफा जो है 233% बढ़कर करीब 3,235 करोड़ रहेगा, यानी पिछले साल के मुकाबले करीब 970 करोड़ का मुनाफा था, उसके अगेंस्ट में 3,235 करोड़ का मुनाफा दर्ज कर सकती है कंपनी। असेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा, इनके जीएनपी नंबर जो है यहाँ पर गौर करिएगा 5.95% से घटकर 5.8% रहेंगे, और पिछली कुछ तिमाहियों में हम देख रहे हैं कि बैंक जो है लगातार प्रोविजनिंग अपनी बढ़ा रही है, इसका फायदा इन्हें इस तिमाही में दिखेगा। हालांकि थोड़े कुछ रिटेल अकाउंट्स हैं वहां पर, हो सकता है कि उनके अगेंस्ट में थोड़ी सी जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो प्रोविजनिंग भी करीब 43% बढ़ेगी, 5,451 करोड़ से घटकर 3,070 करोड़ रहेगी, ये साल दर साल है। लेकिन अगर आप लास्ट तिमाही से अगर कंपेयर करके देखें दिसंबर तिमाही से, तो प्रोविजनिंग में 47% की बढ़त देखने को मिलेगी, करीब 3,070 करोड़ रहेगी। यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ऑपरेटिंग लिहाज से नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे, इनकी जो ब्याज आय है इसमें भी 15% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये है आईसीआईसीआई बैंक नतीजों से पहले एक्शन।